सबसे पहले डेट सेट में सेट को खोलेंगे। खोलने पर बैटरी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। थ्री पॉइंट सिक्स या थ्री पॉइंट सेवन होने चाहिए। उसके बाद सेट में शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग होगी तो दोनों साइड से रीडिंग देखते हैं, और शॉर्टिंग नहीं होगी तो जो कंडीशन एक साइड से रीडिंग एक साइड से एक, और फुल शॉर्टिंग होगी तो जीरो जीरो बताएगा। शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी फुल चार्ज है, उसके बाद भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो हम बाकू से लगाकर चेक करेंगे। बाकू के लगाने पर, बाकू से लगाने पर या तो सेट चालू हो जाएगा या बूट नहीं लेगा, या जो भी कंडीशन है वो बाकू में बता देगा। इस पोजीशन में अभी कुछ भी नहीं ले रहा है, वन टू ले रहा है एट तक। इसके बाद सेट को खोलेंगे। खोलने के लिए यहाँ पे नाखून लगाकर ये अपना सेट खुल गया। खुलने पर यहाँ पर चिमटी लगाएंगे और ये निकाल, इसके बाद पीसीबी को उठा के पीसीबी को गौर से देखेंगे, पीसीबी की कंडीशन किस कंडीशन में सेट बंद हुआ है। सेट की कंडीशन देखिए, अगर पानी में गया होगा तो इन पार्ट्सों पे हल्का हल्का कालापन आ जाएगा, और सेट गिरा होगा तो पीसीबी बैंड मिलेगी आपको, और हाई करंट से अगर जला हुआ होगा तो चार्जिंग आईसी, चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग के आईसी के आसपास जला हुआ आपको सर्किट दिख जाएगा। इसके अलावा इस सेट में ऑन ऑफ की दिक्कत है तो ऑन ऑफ चेक कर लीजिए। उसके बाद पावर आईसी पेस्टेड है, इस पर आप हीट नहीं मार सकते। देखिए ये पावर आईसी पेस्टेड है। इसी तरीके से कंडीशन के ही हिसाब से जो भी काम करना है अपन कंडीशन के हिसाब से करेंगे। फिलहाल हल्की हल्की जो भी हो ब्रश से जो आपको दिख रहा है वो सफाई कर दी। उसके बाद एक बार और बाकू से लगाकर चेक कर लीजिए। प्रॉपर बूट लेने लगा जो कंडीशन में चालू होता है। अब इसमें डिस्प्ले लगाकर चेक कर लेंगे। ऑन ऑफ दबाएंगे और सेट ऑन हो चुका है। यह तो सेट में हल्का सा किसी कनेक्टिविटी के कारण ऑन हो नहीं रहा होगा, इसीलिए अब साफ करके अपन सेट को ऑन कर दिया। आगे की प्रोसेसिंग पूरा सेट पैक करके चेक कर लीजिए।